साथियों नमस्कार, मैं हूं एडवोकेट सुप्रोती। आज साथियों अपन बात करेंगे सऊदी से रिलेटेड। सऊदी गवर्नमेंट ने बहुत सारे नियम चेंज किए हैं जो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगा। एक वीडियो मैंने पहले भी डाला था, दूसरा वीडियो डाल रहा हूं साथियों। जो लोग इंडिया से मान लीजिए, किसी भी कंट्री से मान लीजिए सऊदी में कमाने के लिए जा रहे हैं, जिसको गैर मुल्की बोलते हैं, वो बंदा कोई भी एक्सवाइजेड जैसे इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, कहीं का भी हो, अगर वो बंदा सऊदी जाता है जॉब के लिए, कमाने के लिए, तो पहले होता था कि कंपनी पासपोर्ट उसका जमा लेती थी या कफिल होता था वो उसका पासपोर्ट जमा लेता था। लेकिन अभी ऐसा रूल नहीं है, पासपोर्ट बाकायदा आपके पास रहेगा। जी हाँ साथियों, ये बहुत ही अच्छी न्यूज है। ये हालांकि लागू कब होगी इसका अभी तक कोई फाइनल नहीं हुआ, लेकिन गवर्नमेंट ने नियम अभी बना लिए हैं। ये 19 जून की रिपोर्ट मेरे पास है, मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। आपके पासपोर्ट आपके पास रहेंगे। जो गैर मुल्की बंदे हैं जो सऊदी में जॉब कर रहे हैं, उनका पासपोर्ट पहले कभी रख लेते थे, कंपनी रख लेती, मन की मर्जी होता था, अब नहीं होगा। बंदे के पास पासपोर्ट रहेगा जिसमें आपको बहुत सारे बेनिफिट होंगे। ये 19 जून की ये रिपोर्ट है सभी कामगारों के पासपोर्ट अपने पास, कंपनियां कफिल अपने पास नहीं रख सकेंगे। ये बहुत ही बेस्ट आपके लिए न्यूज है। अगर रख लेते हैं जबरदस्ती, आप अगर शिकायत कर देते हो एम्बेसी के सुविधा में, 2000 रियाल जुर्माना उनपे लगेगा, चाहे कफिल हो या कंपनी हो, 2000 रियाल लगेगा। उसके बावजूद भी अगर फर्स्ट बार में सेकेंड बार अगर फिर गलत कर देते हैं, पासपोर्ट आपके पास रखने की कोशिश करते हैं, तो ये जुर्माना सीधा डबल हो जाएगा, 2000 रियाल। ठीक है साथियों, ये न्यूज कब से लागू होगी मुझे नहीं पता, नई अपडेट है, आप लोगों के साथ शेयर कर दी। अच्छा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करें, साथ चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि गलत से रिलेटेड हर रोज ऐसे नई अपडेट आपको मिलती रहे, जिससे आपको घर बैठे फायदा मिल सके। जय हिंद, वंदे मातरम।